ये बुंदेलखंड है, आला उदल की धरती है और इस ज़िले का नाम है महोबा। लोकसभा है हमीरपुर और यहाँ पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। मैं गांव में हूँ और यहाँ पर जुड़ी है चौपाल, 24 की चौपाल, जिसमें जानेंगे कि यहाँ पर सियासत का मूड क्या है और किस तरीके से चल रहा है लोकसभा का चुनाव। क्या नाम चचा आपका? राम गोपाल। राम गोपाल जी, ये बताओ कि चुनाव वगैरह कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है साहब। आए हैं नेता लोग? हाँ आए, अब आए हुए हैं नेता लोग, आते हैं। तो ये बताओ कि 10 साल एमपी साहब जो रहे हैं आपके, चंदेल जी, क्या क्या काम कराए? अब काम के लिए तो कहा, यही काम सब करावे। ये हमारे प्रधान जी रहे हैं, प्रधान जी ने बहुत भी काम कराया, ये है जो पूरा। अरे चंदेल साहब ने क्या, चंदेल ने भी काम कराया है और इनने भी काम कराया है। आपका क्या नाम है? जीतेंद्र राव। क्या काम करते हैं आप? खेती किसानी। पढ़े लिखे भी हैं जी? तो रोटी रोजगार का क्या हालचाल है? सर इस बार फसल बिलर गई है और दूसरी चीज यहाँ पर मुआवजा भी नहीं आया है, ओले भी गिर गए हैं और लेकिन मुआवजा वावजा किसी का नहीं आया है। सरकार कहती है किसान तो खुशहाल है? नहीं है खुशहाल, डबल इनकम हो गई। क्यों हो गई ये डबल इनकम, ये बताइए कि अगर किसान आदमी को डबल इनकम होती तो ये किसान क्यों दुखी होता? कभी नहीं होता दुखी। तो इधर महोबा का किसान भी दुखी है? हाँ दुखी है। सरकार अब की बार फिर से आ रही है, कह रहे हैं एमपी साहब की तीसरी बार टिकट मिला है। मिला हो या किसी का होगा तो ये बताइए, जब सरकार नहीं, अभी तक नहीं सुना है तो आप क्या सुनेगी सरकार? सरकार से उम्मीद नहीं है? नहीं है कुछ उम्मीद। तो फिर अब की बार क्या बदलने जा रहा है? देखा जाएगा, बदल देंगे, अभी तो पता नहीं है अभी किसके आए, अभी कल बदल जाए क्या पता, लोग बाग है, कल बदल जाए परसों बदल जाए, अभी तो 3-4 दिन है ना, अभी पत्ते नहीं खोल रहे। नहीं अभी नहीं खोल रहे। 4 दिन बाद है चुनाव? हाँ तो 4 दिन के बाद, अभी रोज का 1 घंटे में तो सब कुछ बदल जाता है, 4 दिन तो बहुत है गया। चंदेल आए थे यहाँ पे? नहीं अभी मुझे मालूम नहीं है, आए होंगे तो लोग बाग बता रहे हैं तो आए होंगे तो ठीक है, लेकिन मैंने घर पे नहीं। आपका क्या नाम है? उदित नारायण राजपूत, सोल्जर कहते मुझे। सोल्जर कहते हैं मुझे। सोल्जर क्यों कहते हैं आप? सोल्जर कहते हैं, मैं ड्राइवरी लाइन पे कहता हूँ। मैं मुझे महोबा से लेकर कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, हर जगह मुझे जानता है आदमी, बड़े नामी आदमी। हाँ जी बताइए आप क्या बताओ, चुनाव कैसे चल रहा है? चुनाव यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे खटपट है चुनाव। बीजेपी हार रही है यहाँ से, पुष्पचंद्र हार गए 100% हार रहे हैं। तो काय हार गए? नहीं ये हार गए है कि आज नहीं आता दिखाएं, हमने आज तक उन्हें शकल नहीं दिखी। बताओ आज तक शकल नहीं दिखी, गांव में कोई आदमी कह दे कि मैंने शकल देखी है तो बता पहले। पुष्पचंद्र यहाँ कभी आया नहीं है यहाँ पर। तो आप नाराज हो उनसे? हाँ नाराज नहीं है, नाराज तो सबसे है हम नाराज भाई, ऐसा सही है? सबसे काय को नाराज? नहीं सबसे क्यों नाराज नहीं हम भाई, भाई एक भाई जो वोट आ गए, आप आ गए वोट मांगने के लिए हैं, बताइए। वोट मांगने नहीं आए भैया, आप वोट मांगने नहीं, आप एक इंटरव्यू लेने आए हैं ना, कोई में आ गया इंटरव्यू लेने? हाँ इंटरव्यू लेने आए ना आप। हाँ तो गांव में कोई आदमी बता दे अभी पुष्पचंद लाया है, 5 साल हो गए, 5 साल में या 5 साल बे हो गए, 10 साल हो गए हैं। 2000 रुपये देता है वो किसान को मोदी, 2 साल दे 2000 रुपये देता है, बात समझिए पहले आप, 2000 रुपये देता है वो मोदी, 4 महीने में देता है, कोई आशा लगा बैठा रहता किसान। लो सरकार बदलना चाहिए, आपकी बात बदलनी चाहिए। हाँ बदल की सरकार आनी चाहिए भाई, सरकार बननी चाहिए कांग्रेस की, अब 100% अब। हाँ 100% बन। हाँ 100% मामला टाइट है। हाँ आपका क्या नाम? मेरा नाम महंत प्रताप सिंह राजपूत है। आप भी राजपूत है जी? तो राजपूत तो आपकी बार सपा से भी खड़े हैं। सर सपा से खड़े तो वो ठीक है, सपा में और कोई भी होता मैं उसको वोट देता, मैं भाजपा का आदमी हूँ। भाजपा के जी? ये भाजपा से तो बहुत नाराज है सोल्जर, अब उसी पे थे लेकिन चंदेल के कारण जी सब लोग अलग अलग हो गए। अच्छा सिर्फ चंदेल को टकट अगर बल दिया जाता तो जनता फिर भाजपा में देती। आपकी बार नहीं देंगे? आपकी बार देंगे, बहुत कम देंगे। कम देंगे जी? हरा देंगे क्या? वो चांस यही दिखा रहा कि हारने की उम्मीद में है जनता, जिनको हराया जाए। आप पक्के वाले भाजपा ही? जी जी पक्का भाजपा। अब तो नहीं बदलना चाहिए सर, मैं कौन बदल रहा हूँ, लेकिन जनता की बात कर रहा हूँ मैं तो। जनता हरा रही है? जनता हरा रही है। तो बूथ पे काम नहीं किया आपने?
जी सर बूथ पे काम किया, लेकिन वो कारण क्या है कि चंदे साहब कभी भ्रमण नहीं किया किसी गांव का, कभी भी 10 सालों में। तो आप पे भी उंगलियां उठाते होंगे लोग? हाँ हाँ उंगलियां उठाते हैं जी, कि जी निष्पक्ष मतलब भाजपा का है, क्यों ऐसे ललकार के कह रहा है भाजपा को दूंगा, जबकि इसका जात का खड़ा है, इसको क्यों नहीं दे रहा है, सपा में क्यों नहीं जा रहा है? लेकिन नहीं, मैंने उसको शुरू से दिया, जब से मैंने जन्म संवारा भाजपा में, वोटर हुआ भाजपा में देता। इस बार जो अजेंद्र राजपूत है उन्हें वोट नहीं दूंगा? नहीं नहीं दूंगा मैं, आपका वोट भाजपा भाजपा में जाएगा। लेकिन जनता नाराज है? जनता नाराज इससे टिकट ना बल देने के कारण, चंदेल का टिकट बल दिया ज्यादा। ऐसे प्रत्याशी को काहे को वोट दोगे जो हार जाएगा? तो सर वो अब हारे या जीते इसका तो हम पार्टी से पार्टी से मतलब, हम मोदी को मतलब कि इनके नाम से हम वोट देते हैं बस। ये तो बड़े जटिल समर्थक हैं, हैं एकदम कट्टर। हाँ हाँ, भैया ने जैसे बताया है कि हम भाजपा के समर्थक हैं और इनका विरोध जायज है कि भाई सांसद जी कभी यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं हम लोगों के बीच में गाँव में। तो मैं बता दूँ कि इनको गुढ़ाई जिला है लोकसभा सीट से 47 से, हमीरपुर महोबा तिनवारी सीट से, तो किनके पास जाएं किनके पास ना जाएं। और भाई सांसद जी की जब सबसे वोट लेंगे तो सबके पास ही जाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, यहाँ गांव के पंचायत के जो मुखिया हैं वो नहीं घर घर जाते हैं, तो वो तो इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, एक आदमी कहाँ जाएगा? उम्मीद तो रखेगी ना जनता? नहीं नहीं, फिर सर एक उम्मीद और भी तो है, यहाँ देश में सबसे ज़्यादा अटेंडेंस मतलब वहाँ पे संसद में हमारे कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की वहाँ उपस्थिति मानी गई है, तो वो भी एक उपलब्धि है। नहीं तो कुछ लोग तो वहाँ पे जाते हैं पीछे बैठ के बढ़िया तरह से गेम खेलते हैं पबजी, तो वो संसद में जाते हैं लेकिन यहाँ गांव में नहीं आते। नहीं गांव में, अगर गांव में आएंगे तो फिर वहाँ सर उपस्थिति नहीं उनकी होगी दर्ज। ऐसे क्या, 5 साल बहुत लंबा समय? नहीं नहीं नहीं, फिर लोकसभा में जो मुद्दे उठाए जाते हैं फिर सर हम लोग थोड़ी जाएंगे, हम वहाँ से नॉमिनेट करके उनको भेजते हैं वो वहाँ पे। मुद्दे इतने सारे मुद्दे उठाए, उनमें से कौन कौन सी बातें पूरी हुई? उसमें से जी एक कानपुर जी एक्सप्रेस वे हुआ है ये पूर्व, और उनने पृथक बुंदेलखंड के लिए भी उन्होंने मुद्दा उठाया है। वो तो ठंडे बस्ते में, अब ठंडे बस्ते में है तो भाई अब उपलब्धियां हैं भाई, जो कह दिया जाता है भाई अब कब प्रकाशन में लाई जाए, कब वो होती हैं वो लंबे राजकाज। हाँ हाँ, आपका क्या नाम है? प्रदीप। पढ़ते हो जी? कौन सी क्लास में? BA फर्स्ट ईयर। अभी तो जा रहे होगे, पहली बार वोट दोगे? नहीं सेकंड बार है। सेकंड बार दोगे? 5 साल पहले भी दिया था? 5 साल पहले नहीं दिया। और इस बार प्रधानी का पिछली बार दिया था और इस बार देने जा रहा हूँ। क्या लगता है कैसा नेता होना चाहिए? नेता इस बार भाजपा नहीं चाहिए। भाजपा नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए इस बार भाजपा में? क्या सारे युवा हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, जितने भी युवा हैं काफ़ी लोग, वैकेंसियाँ निकलती हैं, अभी निकली थी पिछली वैकेंसी पुलिस की 5 साल बाद निकली थी, उसके बाद भर्ती क्या हुई कैंसिल करवा दी गई है, 6 महीने में रद्द करवा दी गई है, 6 महीने बाद अब दोबारा से होगी। ये सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, ना ही वैकेंसी निकल, ग्रेजुएट भी नहीं हुए, लेकिन आपकी जो सोच है वो उधर ही जा रही है मुद्दों की आएगी। सारे युवा लोग बाग देखो 7-7, 8-8 साल तैयारियां कर रहे हैं, आज भी बेरोजगार है, 8-6 हज़ार 5-5 हज़ार की नौकरियों के लिए घूम रहे हैं, सारे गरीब हैं क्या करेंगे, उसके बाद मजदूरी करते हैं, खेती किसानी करते हैं, क्या करेंगे, पढ़ लिख के क्या रह जाते, डिग्रियाँ लेके डली हैं जला रहे हैं लोग, क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई करने का जिसको नौकरी ना मिले, रोजगार ना मिले इंसान को। चलिए और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम भैया? हमारा धीरज यादव। अच्छा यादव जी, तो क्या माहौल है इधर? माहौल तो अभी सर ठीक है। हाँ, अखिलेश यादव आए थे इधर? अखिलेश यादव शायद आए थे कल जी। सुनने गए थे? नहीं हम नहीं गए हैं। आप नहीं गए? क्यों? अब काम के मारे सर नहीं जा पाते हैं। अच्छा, तो अभी चुनाव का क्या चल रहा है? चुनाव का तो सही चल रहा है, अभी चंदे लाएंगे फिर से, अब देखो आ रहा है कि नहीं आ रहे यहाँ, अभी इसमें भी हीला है और है ये वो तो। बाकी रोटी रोजगार पे सब बढ़िया सर, और क्या करें भाई, मजदूरी है करती रह जाए। और रोजगार वगैरह यहाँ? रोजगार तो कई काम लग जाता है सर, तो चले जाते महोबा, बाकी काम क्या है भाई, खेती किसानी का है। मजदूरी में क्या काम करते हो? अब यही क्या काम है, फरुआ तरला काम है, क्या है और? ड्राइवरी कर जी। मिल जाता है काम? अब काम तो मिल जाता है। कुछ बदला है यहाँ 10 साल में? अब 10 साल में सर अभी कुछ तो नहीं ऐसा बदला है। हाँ। जी कुछ नहीं बदला, क्या बदलाव चाहिए? बदलाव काम होते रहे, बढ़िया काम मिलता रहा, यही चाहते हैं काम मिलते जी। काम नहीं है? नहीं सर। इसमें चुनाव में मुद्दा है ये बेरोजगारी? जी है।
आपका क्या नाम है जी? जी अनंत राम राज। तो राजपूत जी, अब की बार तो यहाँ आपके यहाँ पे ठीक ठाक है मामला? सब ठीक है साहब, सब ठीक। सब ठीक है मतलब? अब जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है साहब। राशन मिल रहा है? मिल रहा है, राशन मिल रहा है। और क्या क्या मिल रहा है? और 2000 वो मैं 4 महीने में जो किस्त मिल, किसान सम्मान निधि, हाँ वो मिल रही है, वो मिल रही है, उससे गुजारा हो रहा है। हाँ वो गुजारा हो रहा है, अब गुजारा तो नहीं हो पाता है लेकिन हो रहा है। अब जितना मिल रहा है शासन की तरफ से उतनी पर्याप्त है। पर्याप्त है हाँ। और आपका रोटी रोजगार? बस खेती बाड़ी है साहब, थोड़ी बहुत। चुनाव में जो चल रहा है आपको क्या लग रहा है कि ये अजेंद्र राजपूत खड़े हुए हैं आपकी बात? हाँ राजपूत खड़े भले हुए लेकिन मतलब हमें भाजपा की नीतियाँ अच्छी लगती हैं। जो जो यहाँ पे गुंडागर्दी थी और बहुत माहौल बदला है, हर जगह तरक्की नज़र आ रही है। रेलवे लाइन में डबल लाइन हो गई और लाइट लग गई, हर जगह रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है। मंदिर भी तो बन गया है? मंदिर भी बन गया है। पर्याय दर्शन? अभी दर्शन तो नहीं किए, सोच रहे हैं कि कराएंगे, जाएंगे। सब एकदम चकाचक है हमारी नजरों में। तो वो लोग बाग हैं, हजारों प्रकार की बातें करते हैं। कैसी बातें करते हैं? अरे कई प्रकार की बातें करते हैं। अर्जेंद खड़ा हो गया, भाजपा में जा रहे हैं, वो सपा में जा रहे हैं, लेकिन हमारी नीतियाँ, हम तो भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा को वोट देंगे। बाबूजी कल्याण सिंह के पद चिन्हों पर चलेंगे? बस नहीं, पद चिन्हों पर। आपका क्या नाम? देवेंद्र सिंह परमार। आप तो चंदेल के पक्के समर्थक हो? टोटल टोटल। तो ये जो कह रहे हैं कि अब की बार कुछ वोट कट जाएगा उनका? वोट कहते हैं 400 से पार होना है। 400 पार होगा? कहाँ का गणित लाए हैं वो? तो जय श्री राम है और 400 पार है। कोई भी कोशिश करे, कह रहे हैं आदमी अफवाहें उड़ा रहे। क्या काम करते हो? खेती पाती करते हैं। खेती में सब ठीक ठाक? सब बढ़िया चल रहा है, राम की कृपा से सब कुछ अच्छा है। राम की कृपा से सब अच्छा हो रहा है? सब राम की कृपा से? सब राम की कृपा से अच्छा है। ये जो बता रहे हैं कि सब राम कृपा चल रही है? हाँ राम कृपा चल रही है, मंदिर बन गया तो राम कृपा तो हो ही गई। अब राम कृपा है सब पूरे देश में, सब ऊपर वाला है। और क्या क्या कृपा हो रही है जनता के ऊपर? जनता के ऊपर कृपा सब कुछ हो रही है। देखो मोदी ने आवास भी दिए हैं, आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है। भाई ऐसा है कि कभी किसी को जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है उसको नहीं मिली वो सुविधा, उसको नहीं मिली, उसको नहीं मिली है। जिसको कम ज़रूरत थी उसे मिली? हाँ जिसको ज़रूरत नहीं थी उनको मिल जाती है। जिसको ज़रूरत है जैसे मकान है, अब रहने के लिए नहीं है, बड़ा परिवार हो गया तो उसको तो ज़रूरत है कि नहीं है, तो उसको मिलना चाहिए मकान, आवास उसका भी तो आना चाहिए। आपको नहीं? यही धांधली थोड़ी सरकार में चल रही है। धांधली चल रही है? हाँ हाँ, मतलब धांधली ये है कि अफसरशाही में धांधली चल रही है। आपको मिला कि नहीं? नहीं हमें नहीं मिला। तो तभी दुखी हो? हाँ ये तो बड़ी विकट बात है। और क्या, इधर भी लोग हैं सब। आपका क्या नाम है? पीयू सक्सेना। सक्सेना साहब, क्या बदला है 10 साल में इधर? काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, जैसे कि अपना राम मंदिर वगैरह काशी और गांव ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी हद तक किसान को भी दिया जा रहा है और मुआवजा भी अच्छा खासा मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ जो इस बार फसल बर्बाद हुई है उसका कई ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा नहीं आया और कई ग्रामीण क्षेत्र में दे दिया गया है। पिछली बार आया था? हाँ पिछली बार आया था और इस बार भी आया है, कई ग्रामीणों में पैसा आ चुका है, जैसे 25-20 हज़ार की समथिंग किस्तें आ रही हैं लोग बाबों की, और इस गांव में भी अभी किसी का मुआवजा नहीं आया। आपका क्या नाम है? तेज प्रताप सिंह। कुछ क्या गाँव का क्या हाल चाल है चुनाव का? चुनावी माहौल ठीक है सर। हल्के क्यों बोल रहे? नहीं चुनावी माहौल ठीक है, हाँ सही चल रहा है। कौन आ रहा है आपकी बार? आपकी बार अभी कहा नहीं जा सकता, चुनाव दिलचस्प है। सरकार जो है तो कोई भी बना सकता है, मोदी सरकार भी आ सकती है, पीडीए सरकार भी, दोनों में से कोई भी आ सकता है। इधर महोबा में
महोबा में भी जो है तो चुनाव को अगर देखा जाए लोकसभा को तो लोकसभा चुनाव दिलचस्प है। अभी एक तरफा कहा नहीं जा सकता कि जो तो कौन व्यक्ति जो है तो जीतेगा। ये जो कह रहे हैं बार बार के हमने इतना विकास करा दिया, अब इससे ज़्यादा और क्या करा है चंदेल साहब? नहीं, विकास किया है लेकिन कुछ कमियां रही हैं, जैसे चिकित्सा को लेकर के मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है महोबा को, और उच्च शिक्षा के मामले में भी ज़रूरत है, तो इन सब चीज़ों पर भी उन्हें फोकस करना चाहिए, और अगर ये होता है तो आगे काफ़ी उपलब्धियां हैं उनकी। जैसे रेलवे को यदि देखा जाए तो रेलवे में दोहरीकरण हुआ है, डबल लाइन हुई है, तो काफ़ी कुछ किया भी है। आपका क्या नाम है? नथू खां। क्या काम करो बाबा? अब क्या होता, क्या करने लायक है? जब जो कर लिया तो कर लिया, अब क्या करने लायक? बाल बच्चे मजे में? सब मजे में, भूखे मेहरबान। चुनाव चल रहा है लोकसभा का, क्या करूँ? जाए वोट डालने नहीं जाओगे? जाएंगी वोट डालने। किसको देना है? इसको, ये प्रधान जी को। हाँ, प्रधान जी को वोट देना है। हाँ, तो लेकिन चुनाव तो लोकसभा का है। क्या कुछ का, जहाँ वो जाएंगे वहीं प्रधान जी के साथ, जहाँ जाएंगे जहाँ। एक महिला है बहुत देर से कह रही है बात करने के लिए, आपका क्या नाम चाची? हमारा सुशीला नाम है। अच्छा, हमारी बच्चियाँ को वजीफा नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ, कब से नहीं आ रहा है उनको? वहाँ से कोई जिले खाता ही नहीं दे रहा है, भी कह रहे कि यहाँ तुम्हारी सोल नहीं है, उनमें नंबर नहीं है सही, कैसो नंबर दो चाहिए। आपकी बेटियाँ पढ़ती हैं? हाँ, हमारी बच्चियाँ नातिनी हैं, छोटी छोटी दो ठैया। अच्छा, दो साल से पढ़ रही स्कूल में, सबको वजीफा आ गया। उनका नहीं आ रहा? नहीं, उनकी बिना माँ की बेटियाँ हैं वे। अच्छा, माँ नहीं है उनके, माँ उनकी ख़त्म हो गई। और हमारा है सो, हमारा मकान नहीं, हमने बोडारू तो आवास, हमारे नाम आवास नहीं आ रहा है, आवास भी नहीं। हाँ, एक साल से हम परेशान हैं, हम यही आपसे कह रहे हैं। यहाँ डीएम वगैरह से मिली है? नहीं, हम अभी नहीं गए, अभी नहीं मिले, हम मिले, मिलने आवेदन किया था आपने, फार्म डाला? हाँ, डाला था, वहाँ कोई सुनाई नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार में बात गरीब की सुनी जा रही है? हमारी जाने, हमें खुद मालूम नहीं है, हम जाते नहीं, फिरते नहीं है, फिरे तो ना मालूम चले। अब कोई हमारे जे हैं से जे पति देव हैं से भी ऐसा ही है, भी बस तुमने कह दी, हमने कह दी, उनकी हाँ आज है आज है, बस यही में निकाल देती है। लेकिन जहाँ जहाँ आपको चीज़ें मिलनी चाहिए वहाँ फार्म तो डाल रही है ना? हाँ, डाल रहे हैं, हम वो आते ही नहीं है वहाँ से, आज कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया हमें, कुछ फिर से चुनाव आ गए नेता लोग। अब हम कहे हैं कि फिर के चुनाव आ रहा हो, हम आओ का नहीं आ रहा हो, कुछ कोई आए हैं यहाँ प्रत्याशी? अभी नहीं, कोई नहीं आए, अभी नहीं आए, अब आए जब देखो जे, जब उन्हें कहो जे फिर के। ये जो मोदी जी की सरकार है इसमें क्या क्या बदला है, कुछ बदला है? बदला तो बहुत कुछ है, जैसे अब जैसे हम परेशान है, हमें नहीं मिल रहा कुछ। आपको नहीं मिला? हाँ। वैसे क्या सुनने में आया है, किस किस को मिला है, क्या क्या मिला है? अब जो तो मालूम होने के आदमी को हुआ, हम कौन जाते हैं कहीं, हम तो घर से नहीं निकलती हैं। अच्छा। हाँ, हमें कुछ पता ही नहीं चलता है, बिना पढ़े लिखे है ना, सो यही समझे कि ये का बताएं कुछ। लेकिन कम से कम आप घर से निकल के हमारे पास तक तो आई बात करने के लिए अपनी। हम तो यही कह रहे हैं कि हमारी भी छोटी छोटी बच्ची हैं, बिना माँ की उनके कुछ मिलना चाहिए, हमें मिले या ना मिले, हमारी बच्चियाँ के मिलना चाहिए। तो ये गांव की जनता है और वो सब जानती हैं, वो सब समझती हैं, ये भी जानती हैं कि सरकार बहुत कुछ देती है गरीबों के लिए, लेकिन यहाँ तक क्या मिल पाता है ये आप उनकी जुबानी खुद ही सुनिए। मिलते हैं अगले लोकसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।